आरंभ में परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। उन्होंने आकाश, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है उसे रचा। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या रचा है तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने रचा वो सब अच्छा था। हर वस्तु उनकी महानता, भलाई और सामर्थ्य को प्रकट करती है। परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु और पशु पक्षी बनाए। तब उन्होंने मिट्टी लेकर पहले मनुष्य को बनाया और उसके नथुनों में जीवन फूंका। पहला मनुष्य आदम कहलाया। तब परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उससे स्त्री को आदम की पत्नी और साथी होने के लिए रचा। उसे हव्वा नाम दिया गया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में स्त्री और पुरुष रचा, इसलिए वह उनके साथ मिलजुल कर रहने का आनंद उठाते। वो बगीचे में आनंद से उनकी उपस्थिति में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए रचा था। बगीचे को अदन की वाटिका कहा गया। वहां कोई पीड़ा या मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम हर एक पेड़ का फल खा सकते हो, केवल एक को छोड़कर। अगर उसका फल खाओगे तो तुम निश्चय ही मर जाओगे। परंतु एक दिन शैतान, जो दुष्ट आत्माओं का प्रधान है, उसने हव्वा को परीक्षा में डालने की कोशिश की। उसने फल तोड़ा और कुछ खाया और उसने अपने पति को भी खिलाया। उसी क्षण परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं और उनकी आज्ञा तोड़ने वाले उनकी उपस्थिति में नहीं रह सकते। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए उन्हें लज्जित होना पड़ा। उसके परिणाम स्वरूप आदम, हव्वा और उनका सारा वंश दुख और मृत्यु के भागीदार हुए। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु हैं। उन्होंने मनुष्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने मनुष्य को फिर से अपनी संगति में लाने का रास्ता पहले से ही तैयार कर लिया था। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपनी इस योजना को प्रकट किया, जिसके द्वारा वे मनुष्य को उस दंड से जिसके वे लायक हैं बचाएंगे और उनके पाप और लज्जा को दूर करके अपनी संगति में वापस लाएंगे। भविष्यवक्ता अब्राहम पर उन्होंने अपनी इस योजना का एक भाग प्रकट किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनका आदर किया। परमेश्वर ने उसे आशीष देने की प्रतिज्ञा की और कहा कि उसके द्वारा वो सब राष्ट्रों के लोगों को आशीष देंगे। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि वे उसके वंश को सागर तट की रेत के कणों और आकाश के तारों के समान कर देंगे। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास के कारण उसे धर्मी ठहराया और लोगों ने उसे परमेश्वर का मित्र माना। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली कि वो उन पर विश्वास करता है या नहीं और उनकी आज्ञाओं को मानता है या नहीं। परमेश्वर ने उससे अपने बेटे की बलि देने को कहा। अब्राहम जानता था कि इस एक पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने वादा किया है कि वो उसे बहुत बड़ा वंश देंगे। फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनकी आज्ञा मानी, इसलिए अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली। अब्राहम ने अपना खंजर उठाया, लेकिन तभी परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, बालक को नुकसान ना पहुंचा। मैं जानता हूं तू मेरा भय मानता है और मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है। तब अब्राहम ने अपने पास एक मेंढा देखा जो अपने सींग से झाड़ियों में फंसा हुआ था। अब्राहम ने उस मेंढे को लिया जो परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर के लिए उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ाया। जब परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे की जगह मेंढा उपलब्ध कराया, उन्होंने लोगों के लिए अपने महान प्रेम को प्रकट किया। उनका प्रेम उस अच्छे पिता के प्रेम जैसा है जो अपने पुत्र से प्रेम रखते हैं। इस घटना के द्वारा परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि वे मनुष्यों के बदले एक बलि उपलब्ध कराएंगे। बहुत समय पहले परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं पर यह प्रकट किया कि वे एक पाप रहित व्यक्ति को आदम के वंशजों के बदले मरने के लिए भेजेंगे
और उनके पाप और लज्जा को दूर करेंगे। एक महान बलिदान के द्वारा वे उनके लिए जो उन पर विश्वास करेंगे एक मार्ग तैयार करेंगे कि वे परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए मेल मिलाप से रह सकें। भविष्यवक्ताओं ने इस व्यक्ति को मसीह कहा। उन्होंने कहा कि परमेश्वर मसीह को अपने लोगों को बचाने के लिए भेजेंगे और वे उनके राजा होंगे और परमेश्वर के नाम से हमेशा उन पर राज्य करेंगे। उनके आने से कई सौ साल पहले भविष्यवक्ताओं ने बताया कि मसीह क्या क्या करेंगे और उनके साथ क्या होगा। भविष्यवक्ता दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मसीह के बारे में ये घोषणा करेंगे कि तू मेरा पुत्र है। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे। उनका वो पुत्र परमेश्वर का अनंत वचन होगा, जिसे परमेश्वर ने कुंवारी के गर्भ से मनुष्य के रूप में संसार के सम्मुख प्रकट करने के लिए भेजा। भविष्यवक्ताओं ने यह भी लिखा कि मसीह का जन्म बैतलहम में होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वो यरूशलेम में उनके राजा के रूप में प्रवेश करेंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि 30 चांदी के टुकड़ों के बदले उनका एक नजदीकी मित्र उन्हें धोखा देगा। भविष्यवक्ताओं ने कहा कि मसीह अपने जीवन का बलिदान करेंगे, लेकिन परमेश्वर तीसरे दिन उन्हें मृतकों से जीवित कर देंगे। भविष्यवक्ताओं ने मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा और बताया कि वे दोबारा आएंगे बादलों पर और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर उन्हें सब लोगों और राष्ट्रों के ऊपर हमेशा के लिए अधिकार देंगे। 2000 वर्ष पहले एक ऐसे ही व्यक्ति इस संसार में रहते थे जिनका नाम यीशु था, जिसे परमेश्वर अपना पुत्र कहते हैं। जब लोगों ने यीशु को देखा तो उन्होंने उनमें परमेश्वर के चरित्र और सामर्थ्य को देखा। उन्होंने लोगों को चंगाई दी और उनके पापों को क्षमा किया। उन्होंने लोगों से वादा किया कि उन्हें अनंत राज्य में स्थान मिलेगा। यीशु ने अपना जीवन बलिदान किया और सब मनुष्यों का दंड स्वयं सहा। उन्होंने मृतकों में से जी उठने के द्वारा ये प्रकट किया कि उनकी सामर्थ्य मृत्यु की सामर्थ्य से कहीं ज्यादा है। यीशु जो मसीह हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास अपने प्राण देने की भी सामर्थ्य है और साथ ही उसे वापस लेने की भी। उनका जीवन बिल्कुल ऐसा था जैसा भविष्यवक्ताओं ने मसीह के विषय में लिखा था। इस बात का पक्का प्रमाण कि परमेश्वर का वचन पूर्णतः पवित्र, सत्य और कभी न बदलने वाला है। यीशु ही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर यीशु के द्वारा अपने आप को लोगों पर प्रकट करते हैं। यीशु हमें परिपूर्ण जीवन देने आए। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सभी मनुष्यों ने पाप किया है और पाप का परिणाम मृत्यु है। जो लोग पाप करते हैं वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। जिस प्रकार परमेश्वर ने एक मेंढा अब्राहम के पुत्र की जगह मरने के लिए उपलब्ध कराया, इसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु को आदम के वंशजों की जगह मरने के लिए भेजा। उन्होंने ये इसलिए किया कि जो कोई भी यीशु पर विश्वास करते हैं वो उनकी उपस्थिति में आ सकते हैं। इसलिए जो यीशु के पीछे चलते हैं वे पाप के दंड से छुटकारा पाकर सदैव परमेश्वर के साथ रहेंगे। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, हर राष्ट्र में मेरे नाम से लोगों में ये प्रचार किया जाएगा कि परमेश्वर उनके अपराध क्षमा करते हैं जो अपने पापों को छोड़कर उनकी ओर फिरेंगे। यीशु ने ये भी कहा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजेंगे कि वे उनके चेलों के साथ रहें और उन्हें सामर्थ्य दें कि वे परमेश्वर के मार्ग पर चल सकें। जब एक पापिन स्त्री ने अपने पापों से मन फिराया और यीशु के पीछे चलना शुरू किया, तब यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। यीशु ने कहा, जब लोग पूर्ण सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका प्रमाण है कि परमेश्वर ने उनके अपराध क्षमा किए। जो यीशु के शिष्य बनने का निर्णय लेते हैं वे यीशु के साथ अपने संबंध की शुरुआत इन शब्दों के इस्तेमाल से कर सकते हैं, पिता परमेश्वर, आप धर्मी हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना और आपके विरुद्ध पाप किया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यीशु को मेरी जगह क्रूस पर मरने के लिए भेजा और वो तीसरे दिन जी उठे।
मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे पापों का दंड सहा। मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूँ और यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया और हमेशा के लिए अपने साथ अपने राज्य में रहने के लिए द्वार खोल दिए। मैं विनंती करता हूँ कि अपना पवित्र आत्मा मुझे दें ताकि वो मेरे साथ रहे और मुझे आपका मार्ग दिखाए। वो मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं अपने पूरे मन से आपसे प्रेम रख सकूं, ताकि मैं ऐसा जीवन जीऊं जो आपको पसंद हो और इस दुनिया में हर जगह लोग आपकी स्तुति करें। आमीन। यीशु ने अपने शिष्यों के बारे में कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं। यीशु के शिष्य आपस में मिलते हैं, वो हर रोज उनसे बातें करते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं, वो हमेशा उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, अनुसरण करते हैं। यीशु उनके मार्गदर्शक हैं और परमेश्वर का आत्मा जो उनके हृदय में रहता है उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है। हमेशा उसे याद रखें जो यीशु ने उनके स्वर्ग पर उठाए जाते समय कहा, परमेश्वर ने मुझे समस्त स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है। विश्वास रखें कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ इस जगत के अंत तक हूँ।